द फिल्म एंड मैं तो मतलब आई कुडंट बिलीव इट. सो या यू कैन सी द एक्साइटमेंट दैट आई हैव. ओके, हाय श्रद्धा. Hi. Just wanted to ask you, have you seen the AIB video on Alia Bhatt? Yes, I've seen it. Did you like it? What were your thoughts on it? I've laughed so much. मैं physio में थी, physiotherapy अपने पैर के लिए. तो मैंने permission ली doctor से. मैंने कहा कि can I go on my phone? तो she was the one who told me, listen, you have to see this video. So I saw it. और I have gone crazy laughing in that clinic. मैं इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी. I think कि patients जो बाहर बैठे थे उन्हें लगा कि some mad person has come inside the physio clinic. It's amazing, superb. मैंने आलिया को फ़ोन भी किया, I messaged her as well. It's superb, it's hilarious. Right. I mean, she's quite a sport actually. I think it's exactly, it's amazing and I want to tell her way to go and that it's so funny the way that she's done it. It's amazing. Right. So if AIB was to, you know, get in touch with you and do a spoof on you, what would that be on? A spoof on me? I don't know. What would it be? He's saying how spacey I am. That's true. Space cadet. Wo ho jata hai. I have these space cadet tendencies. Shraddha. आपने दो फिल्में तो मोहित सूरी के साथ की और दोनों 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई, तो हैट्रिक के लिए क्या है, कुछ बात चल रही है कि तीसरी भी कोई फिल्म होगी मोहित के साथ? मैं तो मैंने मोहित से एक विलन के पहले ही कहा था कि यू हैव टू टेक मी इन योर मूवीज. तो मैंने इस बार भी कहा है कि यू हैव टू टेक मी इन योर मूवीज ऑल द टाइम. तो आई होप कि ही कीप्स टेकिंग मी एंड ओनली मी. But if he doesn't also, it's okay. Thank you. One last question, please. Shraddha, yeah. Hello. Hi. Vapas. Hi. So, आप अभी कह सकते हैं कि बॉलीवुड में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, लेकिन ये बड़ा नाम बनने से पहले आप एक नॉर्मल स्टूडेंट रही होंगी, लेकिन आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये पूछना है मुझे कि कोई आपके ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने आपको यू नो इंस्पिरेशन दी हो आगे बढ़ने की जिंदगी में, जिसको आपने देखा हो हमेशा आप उनको देख के इंस्पायर हुए हो, कोई प्रोफेसर जी या कोई टीचर आपका जिसके बारे में आप बता? पहले तो आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. थैंक यू कि आपको ऐसे लग रहा है कि, बट आई फील लाइक आई हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. कोई प्रोफेसर स्कूल में या कॉलेज में, आई हैड अ वेरी लवली प्रिंसिपल जमनाबाई नर्सरी स्कूल में मैं पढ़ी थी. तो वहाँ की मेरी मिसेस वाज जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही लाजवाब औरत है एंड शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड शी इज़ वेरी वॉर्म इज वेल. सो और मैं रिसेंटली भी उन्हें मिली थी जब मैं जमनाबाई स्कूल में गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर. यस, एब्सोल्यूटली. गणेश चतुर्थी इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल इन माई हाउस होल्ड. हम गणपति रखते हैं हर साल और पूरी फैमिली के साथ मनाते हैं. तो कल से गणपति का फेस्टिवल जो है वो शुरू हो रहा है और आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टाइप की फैमिली साथ में हो जाती हैं और पूजा होती हैं. अच्छा खाना खाने को मिलता है, मोदक जो खाने को मिलते हैं, मतलब मैंने अभी अभी एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया है मोदक्स के. मैंने अपनी मॉम को कॉल करके बोला कि मॉम प्लीज़ 30 एक्स्ट्रा मोदक मेरे लिए मंगा दो. आई डोंट नो कि मैं खा पाऊँगी या नहीं, पर मैं अटेम्प्ट कर लूँगी खाने की. तो डेफिनेटली सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई होप यू एंजॉय द गणेश फेस्टिवल विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड ईट लॉट्स ऑफ यम्मी खाना. यस, एब्सोल्युटली. आप लोग मुझे कुछ आईपैड वाईपैड दे रहे हो? कि आईपैड का फोटो दे रहे हो विद माय फेस ऑन द साइड. पर या इट्स ग्रेट टू बी हियर
मैं ज़्यादा मतलब टेक सैवी या टेक्नोलॉजी को फॉलो ज़्यादा नहीं करती, पर डेफिनेटली जब मौका मिलता है और घर में अगर कोई नए अप्लायंस की ज़रूरत हो तो मुझे एक्चुअली मज़ा आता है टू गो इन टू अ स्टोर एंड बाय अ न्यू फ्रिज और बाय अ न्यू मिक्सी और समथिंग विथ माई मॉम. आई लाइक डूइंग किचन वर्क ऑल्सो समटाइम्स, सो it's enjoyable to come to a technology store and buy something for your house. And from Reliance, I'd also like to request Mr. Thomas to join us on stage. We would also like to thank our sponsors, Reliance Digital Express and Woodside All Day Bar and Eatery, which will be providing the refreshments for today. खुद का काम के लिए दूसरे को करेगा. Of you to its readers like no other. Filmfare gives you a front row seat to exclusive parties and candid photographs of your idols. It profiles new releases and newcomers even before they become the talk of the town. It serves you high-end updates, you name it, and you'll find all